हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो पे आप देखेंगे परसेंटेज लेवल टू प्रॉब्लम्स। सो ऑलरेडी हमने थोड़े प्रॉब्लम्स किया था, तो और मैं थोड़े प्रॉब्लम्स इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेज बहुत सारे हैं, तो मुझे ईच कैटेगरी में एटलीस्ट 1-2 प्रॉब्लम्स करना है, तो इसीलिए बहुत वीडियोज़ परसेंटेज पर आ रहे हैं। तो अब हम चलते हैं पहला क्वेश्चन। जो पेड $72 फॉर ए बैंगल आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 70%, फाइंड द प्राइस ऑफ द बैंगल बिफोर द डिस्काउंट। तो इस पे जो डेटा दिया उसको एनालिसिस करते हैं हम। पहला तो बैंगल ख़रीदने के लिए उसने $72 स्पेंड किया था, वो भी $70 डिस्काउंट के बाद, मतलब उसने सिर्फ 30% का पैसा भरा था, राइट। क्योंकि डिस्काउंट मतलब जितना परसेंटेज देता है उतना परसेंटेज निकाल देना चाहिए, जो 100% में से, राइट। सो अगर 100 में से आप 70 निकाल देते तो 30%, राइट। सो मतलब उसने पैसे पे किया था सिर्फ 30% का। सो 30% का उसने कितना पे किया था? $72, राइट। अगर 30% $72 होता है तो 100% कितना है? 100% मतलब अगर बिना डिस्काउंट में हमें कितना पैसा देना पड़ता था। तो ये है, तो आप कैलकुलेट करते हैं 30% 72, तो 1% कितना होगा? 72/30, राइट। अगर हमें 1% आता है तो हम किसी का भी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सो 1% = 72/30। अगर 1% इतना होता है तो 100% कितना होता है? 72/30 × 100। तो इसमें जो भी कॉमन फैक्टर्स है उसको हमें निकालना होगा। 3 में 72 कितने टाइम्स जाएगा? 72/3 = 24। तो 24 को हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, विच इज़ 24 × 240। तो अगर आप उसी बैंगल्स को बिना डिस्काउंट का ख़रीदना चाहते हो तो आपको $240 पे करना होगा, बट 70% डिस्काउंट चल रहा है तो वो $240 बैंगल्स $72 में आ गए हैं। तो ये है इसका जवाब। अब हम देखते हैं अगली प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम। तो इस पूरे वीडियो में हमें डिस्काउंट रिलेटेड और GST रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो मेरे बच्चे ने यहाँ पे शार्प कर दिया पेंसिल अपना। हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड प्रॉब्लम। मेरी पेड $36 फॉर 30 करी पफ्स आफ्टर ए 20% डिस्काउंट। इफ शी हैव बॉट द करी पफ विदाउट द डिस्काउंट, हाउ मेनी करी पफ्स कैन शी गेट विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी। तो पहला हम इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। मेरी पेड हाउ मेनी डॉलर्स? $36 कितने करी पफ्स के लिए? 30 करी पफ्स के लिए, ओके। तो वो भी डिस्काउंट के बाद, कितना परसेंटेज डिस्काउंट? 20% डिस्काउंट, ठीक है। मतलब 80% का उसने पे किया था $36, राइट, क्योंकि 20% डिस्काउंट था। जो डिस्काउंट परसेंटेज होता है वो हमें निकाल देना चाहिए, राइट। तो 80% को उसने $36 पे किया था और कितने करी पफ्स आए थे? 30 करी पफ्स आए थे। तो हम इससे 1% कैलकुलेट करते हैं, जैसा हर प्रॉब्लम में करते हैं, जो भी एप्लीकेशन हो प्रोसेस तो हम यही करते हैं, राइट। 36/80, अगर आप 36/80 सॉल्व करते हो तो आपको आएगा 0.45, ठीक है। तो अगर 1% आता है तो 0.45, तो 100% कितना होगा? 100% = $45। मतलब अगर डिस्काउंट नहीं देता है 30 करी पफ्स के लिए हमें $45 पे करना होता है, राइट। अगर हम 30 करी पफ्स $45 को ख़रीद लेते हैं तो ईच करी पफ का कॉस्ट कितना होगा? तो हम इसको फाइंड करना होगा, क्योंकि हमें पूछ रहा है जो अमाउंट हमने दिया था उसमें कितने करी पफ्स आएंगे, मतलब हमें करी पफ का कॉस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब करी पफ का कॉस्ट कैसे आता है? जो अमाउंट 100% पे आया, मतलब पूरे करीब ऑफ 30 खरीद लेने के लिए बिना डिस्काउंट का कितना होता है? $45 ओवर कितने करीब ऑफ्स आए थे? $45 में 30 करीब ऑफ्स। तो अगर आप डिवाइड करते हो तो इसका आंसर है $1.50। तो
हमारे पास अगर चाहे तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। 150 टाइम्स 30 विच इज इक्वल टू 45। ईच करी पफ का कॉस्ट है $1.50। अगर ईच करी पफ का कॉस्ट $1.50 है, $36 में हमें कितने करी पफ्स आते, तो उस वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करें, तो हमें करना होगा 36 जितना पास हमारा पैसा आया और एक करी पफ का कॉस्ट। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर है 36/150 इज इक्वल टू 24। मतलब आपको 24 करी पफ्स आएंगे $36 का, अगर ईच करी पफ का कॉस्ट $1.50 होता तो। तो इस तरह हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। यहाँ पे जो भी आप प्रॉब्लम देखते हैं तो उसी को हम इसी तरह सॉल्व करते हैं जैसा परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, और उसका रिलेटेड कुछ नंबर हमें प्रॉब्लम में दे दिएगा जैसा क्लू के ज़रिए से। तो उसके बाद हम 1% को कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद हम 100% को कैलकुलेट करते हैं। तो उसके बाद जो मांगेगा वो हम उससे निकालने की कोशिश करेंगे। ये चैप्टर ही ऐसा है, बहुत अच्छा रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है। ये सारे चीज़ें आप रोज़ देखते रहेंगे, परसेंटेज डिस्काउंट ये सभी सारी चीज़ें, तो इसलिए ये अच्छे से समझ में आते हैं। थोड़ा कंसंट्रेशन से सिर्फ सुनना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अगली प्रॉब्लम। मेलिसा बॉट ए आई थिंक रिंग, उसने रिंग खरीदा था। इन एडिशन शी पेड टू पे 7% GST, हाउ मच डिड शी पे ऑल टुगेदर। तो यहाँ पे मुझे नंबर नहीं दिख रहा है, उसने कुछ ख़रीदा था कुछ अमाउंट का, वो अमाउंट है यहीं पे लिख रहे हूँ 2400 है। तो यह 100% का है ना, उसमें कुछ GST नहीं लगा हुआ है, तो हमें अब GST लगा के प्राइस बताना है। अगर 100% 2400 होता है तो 1% कितना होता है, 1% इज इक्वल टू 2400/100। तो ज़ीरो ज़ीरोस कैंसिल, जो बचा नंबर है $24, ठीक है। 7% GST कितना है, 7% GST के लिए हमें इस वैल्यू को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, सो विच इज़ 24 times 7। तो हमें आएगा GST अमाउंट कितना है, वो अमाउंट को हमें ओरिजिनल अमाउंट में ऐड करना होगा, तभी हम फाइनल वैल्यू निकल पाएंगे। तो यहाँ पे 7% कितना है, 74 times 2 विच इज़ इक्वल टू 14 plus 6 168। तो ये है हमारा आंसर 168। तो अभी हमें GST आ गया था, तो हमें फाइनल प्राइस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जस्ट हमें फाइंड करना होगा वो पूरा कितना दाम है और इसका GST कितना है, वो ऐड करके देना होगा। तब अभी दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमें आ रहा है 2568। तो ये प्राइस है विथ GST, आप 7% GST इंक्लूड करने के बाद जो आया है वो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ ए सोफ़ा सेट वाज $680। टॉम और द सोफ़ा सेट इफ स्टिल हैड टू पे 7% GST, हाउ मच डिड द सोफ़ा सेट कॉस्ट ऑल टुगेदर। से भी हम प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह ही सॉल्व करना होगा। तो सोफ़ा सेट एक्चुअल प्राइस आके $680 है, मतलब इसका 100% वैल्यू है 680। तो उसके बाद हमें 7% GST ऐड करना होगा। तो 7% कैलकुलेट करने से पहले हम करेंगे 1% कितना है, तो 68/100 होगा 6.8। तो अगर 1% 6.8 होता है तो 7% कितना होगा, तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा 6.8 times 7 विच इज़ इक्वल टू 47.6। तो अब हम इस वैल्यू को एक्चुअल प्राइस से ऐड करना होगा, तभी हमें आएगा प्राइस आफ्टर GST, सोफ़ा का असल प्राइस 680 plus 47.6। अगर आप ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू होगा $727.60।
तो ये प्राइस है आफ्टर जीएसटी, आफ्टर 7% जीएसटी एक्चुअली अमाउंट, एक्चुअल जो नॉर्मल प्राइस था उसको अगर ऐड करेंगे तो तब आएगा आफ्टर जीएसटी. सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. डोंट फॉरगेट, एज इज जस्ट नंबर. हैप्पी लर्निंग.